हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल न्यूज 48 में। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। शिक्षा की हर न्यूज आप तक पहुंचाई जाएगी, चाहे आंगनबाड़ी की न्यूज हो या अन्य संविदा कर्मियों की न्यूज हो, हर न्यूज आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन का आशा कार्यकर्त्रियों को बड़ा तोहफा, मानदेय में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की। जी हां बहनों, आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पद संभालते ही आशा बहनों का जो मानदेय है वह 3,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया। और अब आज की सबसे बड़ी न्यूज ये है कि बढ़ा हुआ जो मानदेय है वो आपको इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में काम कर रही आशा कार्यकर्त्रियों का बड़ा तोहफा दिया है। सोमवार को रेड्डी ने आशा कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 7,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश में इस समय स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा कार्यकर्त्रियों को 3,000 रुपये का मासिक मानदेय मिल रहा है। सोमवार को रेड्डी ने इस मानदेय को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री के इस फैसले का आशा कार्यकर्त्रियों ने स्वागत किया है और पूरे देश की आशा बहनें जो है वो अपने मानदेय बढ़ाने को लेकर संघर्ष कर रही है। और आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अब हरियाणा में आपका मानदेय बढ़ सकता है, क्योंकि हरियाणा में अभी लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और उसके बाद भी विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार नहीं चाहती कि उन्हें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की नाराजगी सहन करनी पड़े। तो अब आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा में आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वेतन बढ़ोतरी की है, क्या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यह वेतन बढ़ोतरी नहीं कर सकते, उन्हें भी यह करना चाहिए? तो आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।